Hey friends, hello. Welcome once again. I am your friend Dr. Alinur Qureshi और मैं आपका स्वागत वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है दोस्तों. आज का जो हमारा विषय है वो है एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स के बारे में आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं फ्रेंड्स. ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं और इसका रोल क्या है फ्रेंड्स. एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स के खिलाफ जो भी बायोटिक्स हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, उसके खिलाफ जो हम इंजेक्शन देते हैं उनको किल करने के लिए, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. इसके दो टाइप होते हैं, एक था बैक्टीरियोसाइडल और एक था बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोसाइडल मतलब वो बैक्टीरिया को किल करता है, और बैक्टीरियोसाइटिक मतलब, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे रोक देता है. तो इतना फ़र्क है ये एंटीबायोटिक में दोस्तों. आज ये एंटीबायोटिक का जो वीडियो है वो बनाने का ये इम्पोर्टेंट है कि एंटीबायोटिक की हम तुमको ABCD बताना चाहता हूँ. ये आजकल जो है हमारे इंडिया में, हमारे एरिया में और हमारे लोकेलिटीज़ में जो है एंटीबायोटिक्स के बगैर जो है ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आता फ्रेंड्स. बहुत से मेट्रो सिटीज़ में ऐसा कंसेप्ट है कि एंटीबायोटिक्स को अवॉइड किया जाए स्टार्टिंग के फेज में. बट मेरा एक मानना है कि जब तक आप पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं देंगे तब तक वो पेशेंट को जो है फ्रेंड्स रिजल्ट नहीं आ सकता. क्योंकि एंटीबायोटिक मस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप नहीं देंगे तो पेशेंट को रिजल्ट ही नहीं आता. क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में पैदा होते हैं वो एंटीबायोटिक के बगैर किल नहीं हो सकते फ्रेंड्स. तो एंटीबायोटिक्स आज के ट्रीटमेंट का फंडा है कि एंटीबायोटिक्स आपको ऐड करना ही पड़ेगा. आप ओरल दे रहे हो, IV दे रहे हो, आपको एंटीबायोटिक देना ही है, कौन से भी IV फॉर्म में या ओरल फॉर्म में. जब तक आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक ऐड नहीं करेंगे वो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स. तो एंटीबायोटिक्स के तो अलग अलग ग्रुप हैं, हालांकि हमारे चैनल पे उसके वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप जाके वो तमाम एंटीबायोटिक्स के ग्रुप के वीडियो भी देख सकते हैं. इंजेक्शन के फॉर्म में भी हमारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं हमारे बहुत सारे, एक 15-20 प्लेलिस्ट हैं, वो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको तमाम वीडियो और जानकारी मिल जाएगी. जब तक आप एंटीबायोटिक ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स आपको ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है. तो ये हमारा एक एंटीबायोटिक के ऊपर का वीडियो है. आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर.